नमस्कार, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज नाइन। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। बैठक में स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दवाई, रेस्टोरेंट और बार पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। सरकारी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ काम होगा। वहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था अभी बंद कर दी गई है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उक्त जानकारी दी। बन्ना गुप्ता ने कहा कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और जरूरत पर ही घर से बाहर निकले। वही सरकार ने नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पुनः हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी देते हुए साफ तौर पर कहा है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। धार्मिक स्थलों पर पहले की तरह ही आदेश लागू रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहे झारखंड न्यूज़ 9।